महानगर के कौवा बाग अंडरपास के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई। रेलवे ट्रैक के नीचे 20 मीटर लंबाई तक अंडरग्राउंड बॉक्स गलत दिशा में डाल दिया गया। आपको बता दें कि बॉक्स 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे की तरफ झुक गया है। अगर अब बॉक्स को अंतिम छोर तक डाला गया तो सतह 3 से 4 फीट नीचे हो जाएगी। मामला पकड़ में आने के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। इससे लाखों रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। कौवा बाग रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने के लिए रेलवे ने 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। बंगलुरु की एक फर्म को ठेका दिया गया था। क्रॉसिंग के को बंद कर निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया गया। 42.5 मीटर की लंबाई में 2-2 मीटर के बॉक्स डाले जाने थे। कार्य के दौरान भी ट्रेनें चलती रहें, इसके लिए बॉक्स पुशिंग तकनीक के इस्तेमाल की योजना बनाई गई। इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि अंडरपास निर्माण में 2-2 मीटर के बॉक्स डाले जा रहे थे। तकनीकी गड़बड़ी के चलते काम बंद कराया गया है। गड़बड़ी को ठीक कराकर शीघ्र ही कार्य पूरा कराया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि मई तक इस कार्य को पूरा करा दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, देखिए हाँ, कौवा बाग जो बॉक्स पुशिंग से हम लोग वहाँ पर अंडरपास बनाने की का काम कर रहे थे, उसमें अभी कुछ तकनीकी कुछ अवरोध आया है, इसलिए काम बंद है। लेकिन जो है उसके जो भी उसमें रेमेडियल मेजर्स हमको लेने हैं उसके लिए काम चल रहा है, और बहुत शीघ्र ही उसको दोबारा हम लोग शुरू करके और मई में हम लोग इसको लक्षित किए हुए हैं ख़त्म करने के लिए।